पदाधिकारी अहंकार में चूर हुए मद में होने के कारण कुछ लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं। अरे वो नकल कर रहे हैं, असल की नकल नहीं होती है भाई, असल ही होता है। श्री राम। कुछ व्यक्तियों को अहंकार के कारण कांग्रेस एक निर्मल गंगा थी, पर कुछ गटर आके जुड़ गए, उन गटरों ने कांग्रेस को दोषित कर दिया है। सूर्य स्तंभ आपको दिखाई दे रहे होंगे, लता मंगेशकर चौक से हम आगे बढ़ रहे हैं और संतों का ये जमावड़ा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है परिक्रमा करते हुए। लेकिन इस समय देश की सियासत में एक उबाल है और उबाल है कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बाद, और फैसला ये कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। क्या कहते हैं संत, मैं ये सुनूंगा और जानूंगा। पीछे जय श्री राम की ध्वनि। महाराज जी, कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? ऐसा है, कांग्रेस के महात्मा गांधी थे या मालवीय जी थे, लोकमान्य तिलक। अरे सरजू किनारे ये रास्ता जाएगा? हाँ जी जी। क्या आगे वाला? वो भी जाएगा, ये भी जाएगा। हाँ ठीक, वो ठीक रहेगा। चलो वही चलते 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 चलते। ऐसा है कि देखिए, जहाँ तक मानना है कि चाहे लोकमान्य तिलक जी थे, समझ गए आप, उन्होंने गणेश जी का सहारा लिया था, हमेशा महात्मा गांधी थे, कुंभ मेला चाहे वो हरिद्वार हो चाहे प्रयागराज हो, देश के सनातनियों ने कुंभ मेला में या देश की आजादी में अपनी कुर्बानी किया है। ये मानना कांग्रेस का कि हमारे कहने से अध्यक्ष को भ्रम हो सकता है, बाकी 99% कांग्रेस ही। महाराज जी, कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? कांग्रेस नहीं कर रही है, कुछ जो पदाधिकारी अहंकार में चूर हुए मद में होने के कारण कुछ लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताने लगते हैं, प्रियंका गांधी भी मंदिर जाती हैं। अरे वो नकल कर रहे हैं, असल की नकल नहीं होती है भाई, असल ही होता है। श्री राम। अच्छा, अब पूरा विपक्ष जो है, मैं इंडी गठबंधन की अगर बात करूं, अखिलेश यादव कह रहे हैं जब बुलावा आएगा तो जाएंगे, फिर उसके बाद कोई कह रहा है कि भाई ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। ऐसा कुछ नहीं है, तो राम का कार्यक्रम है, सनातन का कार्यक्रम है, और राम के मानने वाला कोई भी आ सकता है। ठीक है महाराज जी, बातचीत करते हुए चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये RSS का कार्यक्रम है। पहली बात ये है, कुछ व्यक्तियों को अहंकार के कारण कांग्रेस एक निर्मल गंगा थी, पर कुछ गटर आके जुड़ गए, उन गटरों ने कांग्रेस को दोषित कर दिया है। मेरा ये मानना है, प्रत्येक कांग्रेसी जो थे अयोध्या जी में आएंगे, उनकी भावना है, उनका जय श्री राम था और है और रहेगा। नहीं, इधर अखिलेश यादव को लेकर कुछ कहेंगे, अखिलेश यादव भी नहीं आ रहे हैं। भाई देखिए, जवाहरलाल जी ने मूर्ति बैठाने का अनुमति दिया था, समझे, जवाहरलाल के टाइम कांग्रेस ने सारे काम किया है। कुछ अहंकारी सिर्फ हिंदू ईर्ष्या जलन के कारण, परिशोध के कारण ऐसे बयान दे रहे हैं, प्रतिशोध के कारण, परिशोध। अच्छा, हाल फिलहाल में देखिए, सनातन पर खूब हमले हुए हैं, RJD पार्टी के देखिए, कोई कहता है माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती कौन, कोई कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये कोई मंदिर से उन्हें बैर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के बयान। पहली बात यह है कि राम अयोध्या जितनी भी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि यहाँ जिसको भी रहना है, भगवान राम के प्रति उसका आदर सम्मान है, वो चाहते हैं कि हमारा प्रचार हो, मीडिया हाईलाइट करे, वो विरोधी नहीं है, वो समंदर से जल नहीं, नहीं। लेकिन एक सवाल उठ रहा है महाराज जी कि ये 15% वोट बैंक के लिए हो रहा है क्या? एक खास समुदाय का वोट बैंक सेटिस्फाई हो जाए इसलिए? तो उनकी उनकी क्या जमान जब्त कराएंगे क्या आप? 15% में जमान जब्त हो जाएगी, वो तो सब भूमिहीन हो जाएंगे, उसके बाद सब राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, सब राम के रहेंगे। आप सभी लोग कहाँ से आ रहे हैं महाराज जी? आप लोग भारत से अलग अलग, हम गुजरात से आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब। ये क्या कहेंगे राम मंदिर पर जो राजनीति चल रही है, विरोध कर रहे हैं? जय श्री राम। तो ये देखिए, आप संतों का हुजूम आगे बढ़ते हुए,
राम की पैड़ी की ओर चलते हुए जय श्री राम की गूंज, आक्रोशित है संत समाज। जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि ये मति भ्रमित है, ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मेरी बाई ओर आप ये देखिए, राम की पैड़ी की तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी। चारों ओर तैयारी है, अयोध्या सज रही है, संवर रही है, अयोध्या सज रही है, संवर रही है भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए। और उस बीच संत समाज का ये पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है। एक बार जय श्री राम और कोई भजन वजन हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बलों की कांग्रेस नहीं आएगा तो क्या वृंदावन सूना हो जाएगा? वृंदावन में एक मनु की नहीं आए, वृंदावन एक कांग्रेस पार्टी तो क्या अयोध्या सुनी हो जाएगी? वो केवल धर्म के लिए उन्होंने बहुत सनातन धर्म आक्षेप किया, इसलिए शर्म के मारे वो लोग नहीं आ रहे, हमारी लोग बेइज्जती करेंगे, इसलिए मुख्य कारण ये है और कोई कारण नहीं है। कोई 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 राम धुन हो जाए चलते चलते। हर हर महादेव। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये संत समाज जो है राम की पैड़ी की ओर चल रहा है, जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए, इस बात का जिक्र करते हुए कि सियासत के लिए सिर्फ ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, कि इतना दिव्य पल है, इतना महत्वपूर्ण मौका है, इस मौके पर नहीं जाना ये निश्चित तौर पर इस देश के लिए, सियासत के लिए अच्छा नहीं है।